शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैंने आपको एक XML दी है डाउनलोड करने के लिए, उसे डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इंपोर्ट करना और फिर ओपन करना है, ठीक है। तो ये XML में क्या है ना कि देखो, आपको सॉन्ग डाउनलोड कर लेना और एक इमेज दी है वो भी डाउनलोड कर लेना। उसमें आपका जो है बुकमार्क लगा हुआ है पहले से इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, और फ्लैश भी है और ग्लो भी डला हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, जहाँ पे पहला बुकमार्क आ रहा है ना, वहाँ पे ये इमेज का स्प्लिट कर दो। इमेज नहीं है तो आप अपनी पूरी लगा देना अलग से, इसे आप चाहे तो नीचे से भी कर सकते हो, पूरी भेज सकते हो, लेकिन अभी इसको डुप्लीकेट करो, ठीक है। डुप्लीकेट कर लिया आपने, अभी यहाँ पे एक शेप लेना है आपको, ट्राइंगल शेप लेना है आपको, और देखो ये ले लिया, ठीक है। पहले इसकी ड्यूरेशन आप फुल कर दो, एकदम फुल कर देते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे तीन बिंदु पे आपको क्लिक करना है, देखो पहले यहाँ तक आओ आप, और इसके तीन बिंदु पे आपको क्लिक करना है, कन्वर्ट टू आउटलाइन पे आप क्लिक कर लेना। इसके बाद देखो आपका इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस तरह आप यहाँ पे देखोगे स्वाइप टू मूव कर सकते हो एक पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से अगर ऊपर करोगे तो जहाँ पे भी क्लिक करोगे तो वो पॉइंट हिलने लगेगा, ठीक है। तो अभी जैसे पॉइंट्स के बीच में क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे मतलब देखो अभी इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ इनके बीच में है, तो इसे यहाँ पे एक नया पॉइंट क्रिएट होगा और इस तरह आपका जो होगा, अभी आपका ये हमको क्यों करना है, मतलब आपको जो ये आधा मुंह है ना, आधा मुंह इससे पूरा ढक लेना है इस ट्राइंगल से, ठीक है। अब देखो मतलब नए नए पॉइंट्स आप कर सकते हो, बाकी यहाँ से माइनस भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस तरह आधा मुंह ढक लेना है पूरा, ठीक है। तो देख लो ये आधा मुंह है, इस तरह आप यहाँ पे आधा मुंह ढक सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप आधा मुंह ढक लो पूरा, आधा मुंह जैसे ही हो जाए ना, तो इसके बाद क्या कर लेना है, देखो ये मैंने दो इमेज क्यों की है, इन दोनों को लो और सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मर्ज कर लो। अब आपने मर्ज कर लिया है, ठीक है, इसको एक डुप्लीकेट करके रख लो, दो काम आएगी, ठीक है, दो आपके काम आने वाली है। तो ऊपर वाली में क्या करो, एक इफ़ेक्ट्स में जाओ, ऐड कर लो स्पेक्ट्रल मैप नाम है इफेक्ट का, ठीक है, वो आपको लेना है। तो मैप से लिख के सर्च कर लेना, यहाँ पे स्पेक्ट्रल मैप आ गया है। अब देखो आपके क्या है, बुकमार्क पहले से लगे हुए हैं, ठीक है। अब इन बुकमार्क के हिसाब से आप अपना की एनिमेशन दे दो और वहाँ पे अलग अलग दे दो, ठीक है। एनिमेशन मतलब अलग अलग, थोड़ा कुछ बढ़ा दो घटा दो, इससे हो जाएगा। अभी जाइए, मैं रेड और ग्रीन कलर है ना, इनमें दोनों में ब्लैक कलर डाल रहा हूँ और नीचे वाले ब्लू की जगह रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अच्छा लगेगा दिखने में, आप चाहे तो अलग अलग कलर कर सकते हैं तीनों में। ये कलर करने के बाद ना आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये स्क्वीज और सैचुरेशन वगैरह आप बढ़ाते जाओ घटाते जाओ, तो देखो आप यहाँ पे करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे बुकमार्क आ रहा है ना, वहाँ पे मैंने दो एनिमेशन दिए हैं, पहले वाले में थोड़ा कम है और दूसरे वाले में एकदम ज़्यादा, इससे क्या लगेगा एकदम आ रहा है, जैसे आपका बुकमार्क आ रहा है ना तो वैसे लगेगा कि एकदम खुल के एनिमेशन आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगले बुकमार्क पे जाते हैं, इस तरह दो दो एनिमेशन में यहाँ पे दे रहा हूँ और सब में अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप ये कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों अपने एनिमेशन देते रहो आप यहाँ पे बुकमार्क के हिसाब से, बुकमार्क लगा हुआ है आपको डायरेक्ट एनिमेशन देना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा, आपको ना एक शेप ले लेना है, वही ट्राइंगल लेना है। ट्राइंगल के आप तीन बिंदु पे क्लिक करोगे तो कन्वर्ट टू आउटलाइन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ना आपके फिर इसी तरह आपको इतने सारे ट्राइंगल लेने हैं कि हर एक से आपको पूरा ये टोटल जो रेड मुंह है ना, ये पूरा ढक लेना है, ठीक है। मतलब कैसे, जैसे आप देखो इतने इतने छोटे छोटे ट्राइंगल ले लो, 6-7 पीस लगेंगे आपको, और आपको इनको इस तरह से हिलाना है कि मतलब इस तरह से आपको सेट करना है कि पूरा ये जो है सेट हो जाए, ठीक है। मतलब रेड जो मुंह है ना वो पूरा आपका भर जाए, ठीक है। इन ट्राइंगल से आपको पूरा मुंह भरना है, आपको पूरा मुंह जो है ट्राइंगल से भरना है, और वो भी आधा जो मुंह दिख रहा है ना ये रेड, ये वाला ही ओनली मुंह भरना है। तो ट्राइंगल अपने हिसाब से कुछ बड़ा लेते रहो, तो 5 फीस लगेंगे, 6 या 7 लग सकते हैं, तो देखते हैं अपने को कितने लगते हैं। तो मैं पहले भरते जाता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यार दोस्तों आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है क्योंकि खांसी है बहुत ज़्यादा, तो वॉइस ओवर करना भी ज़रूरी है, तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको क्या करना है ना, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल लेते जाने हैं, ये वाले आप ट्राइंगल यहाँ पे लेते जाओ। इसे आपको क्या करना है ना, टोटल जो आधा मुँह है ना, ये आपको आधा मुँह पूरा इन ट्राइंगल के पीस से भरना है, ठीक है। अब इस तरह आप इन्हें जो है एडजस्ट कर सकते हो, हिला सकते हो, प्लस से और कर सकते हो, ठीक है। डुप्लीकेट करते जाओ, ट्राइंगल लेते जाओ, और इस तरह जो है इसका टोटल आधा मुंह आपको कंप्लीट भरना है, ठीक है। तो अपने 6-7 पीस लगेंगे, आप अपना पूरा आधा मुंह ये भर दो इस ट्राइंगल से, ठीक है। और जैसे ही आप अपना पूरा ट्राइंगल से भर लोगे तो ये कुछ 7-8 होते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, देखो ये जो आपके आधे मुंह वाले फेस पड़ा है ना, ये वाला जो आधे मुंह का फेस है ना, इसको इतना डुप्लीकेट करना है कि ट्राइंगल वाले पीस है। मतलब ट्राइंगल वाले पीस कितने हैं पहले आप गिन लो, तो मेरे यहाँ पे 7 पीस है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा आधा मुंह वाला फेस है ना,
इनकी भी 60 डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो टोटल 60 डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये भी आधे आधे। मतलब देखो ट्राइंगल के 7 पीस है तो मैं ये 60 डुप्लीकेट कर रहा हूँ, अगर 5 होते तो 5 डुप्लीकेट करता, ठीक है आप समझ रहे हो ना। तो ये वाला जो आधा मुँह पहले से बना हुआ है ना, ये वाले मैंने 60 डुप्लीकेट कर रहा हूँ। और जो लाल वाला फेस है वो उसे छेड़ना नहीं है। अब ऐसे क्या करूँ, जो मैंने 60 डुप्लीकेट किया ना उनको एक एक करके ट्राइंगल के साथ मर्ज कर लो सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो अभी देखो यहाँ पे मर्ज कर लो, आप आसानी से यहाँ देख रहे हो, सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मर्ज कर लो, ठीक है। तो अभी देखो ये वाले जो है एक एक ट्राइंगल को लेके, एक वाले आधे फेस को लेके मर्ज कर लो इनको। अब जैसे आप पूरे मर्ज कर लोगे ना देखो, तो आपका ये मर्ज हो गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है ना, इनमें एक एक में एनिमेशन देना है। तो पहले मैं एक तो सिंपल एनिमेशन दे दो, रोटेशन में जाके एक एनिमेशन दे दो, और ऐसे लास्ट में एक एक एनिमेशन दे दो। इससे क्या होगा ना कि हमारा वापस लास्ट में घुमा फिरा के उसी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। अब बीच बीच में जहाँ पे भी बुक मार्क है ना वहाँ पे आप अपना एनिमेशन देते जाओ। अब आपको यहाँ पे एनिमेशन देना है, देखो मैं आप यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशन मैं कैसे दे रहा हूँ। कोई थोड़ा सा क्या करो, पहले से मूव कर दो थोड़ा सा, फिर उसके बाद रोटेट कर दो। अब रोटेट कर दो, इसी तरह आपको जब मैं एनिमेशन देना है तो अब आपको क्या करना है ना, सिंपली अपने हिसाब से आपको जो एनिमेशन पसंद हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो एनिमेशन आप अपना दे दो, जो भी आप एनिमेशन देना है इस तरह दो दो एनिमेशन देना, ठीक है। पहले में कम दूसरे में ज़्यादा, पहले में आपको कम एनिमेशन देना है और दूसरे में ज़्यादा, ठीक है। अब यही वाला मैं आपको एक में किस तरह एनिमेशन देना है वो बता रहा हूँ, उसके बाद आप बाकी सारे आपको खुद करना है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा मतलब हार्ड वाला काम नहीं। अब लास्ट में वो अपने आप अपनी सेम जगह पर आ गया। अब मैं बाकी सब में फास्ट स्पीड कर रहा हूँ आपको। अब देखो एनिमेशन तो बहुत सिंपल है, पहले में और लास्ट में आपको पहले जाके एक तो एनिमेशन पहले ठोक देना है, मतलब कि एनिमेशन पहले लगा देना, उसके बाद आप जहाँ पे भी एनिमेशन देना चाहते हो कर सकते हो। तो अभी आपका फाइनल एनिमेशन हो चुका, आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरह का लग रहा है, इसी तरह एनिमेशन देना है। अब जो आपकी ग्लो वाली जो ये शेप वाला जो है ना, इसको सबसे ऊपर लेके आना है, ठीक है। अब जितने भी आपके ग्लो वाले शेप है उन सबको ऊपर लेके आना है, तो जहाँ पे भी बुक मार्क लगा हुआ है वहाँ पे आपका ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मतलब ग्लो करेगा वहाँ पे। तो मैं पहले फटाफट इनको कर लेता हूँ ऊपर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारा ग्लो ऊपर आ गया है, और कई कई जगह ये फ्लैश लगा दिया है, तो जहाँ बुक मार्क आ रहा है वहाँ पे फ्लैश की तरह इफ़ेक्ट आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कर लेना, देखो आपका काम लगभग हो गया है, ठीक है। अभी देखो आपका काम फाइनल ख़त्म हो चुका है। अभी क्या करो आप, देखो ये जो स्टार्टिंग में जो आपकी इमेज दिख रही है, इस स्टार्टिंग की इमेज को आप डिलीट कर दो, और एक ये इस तरह का स्क्रीनशॉट खींच लेना, इस तरह का स्क्रीनशॉट खींच के मतलब वहाँ तक कर देना जहाँ तक वो हिस्सा डिलीट किया था आपने, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसमें जूम कर सकते हो, जूम नहीं करना है तो ऐसी की ऐसी रख दो, ठीक है। तो इस तरह आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।